गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोजीएस। दिस इज राहुल एसटीबी। गाइस, आज हम बात करेंगे जो आपका 15G है उसको आप कैसे डाउनलोड करके कैसे आप उसको फिल कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं आपको फॉर्म 15 क्यों भरना जरूरी है गाइस। जब भी आप इंटरेस्ट या इंश्योरेंस कमीशन या पीएफ के लिए अप्लाई करते, और अगर आप पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका सर्विस 5 ईयर से बिलो है तो आपका वहाँ पे TDS कट करता है गाइस, जिससे 10% आपका TDS माइनस हो जाएगा। सपोज अगर आपका 1 लाख PF है तो आपको खाली 90,000 मिलेगा। तो गाइस वो सब आप टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए आपको ये फॉर्म 15 भर के सबमिट करना पड़ता है गाइस। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फॉर्म 15 कहाँ से डाउनलोड करना और कैसे उसको फिल करके आप चेंज कर सकते गाइस। तो गाइस सिंपल, कौन सा भी ब्राउजर आप ओपन कर दीजिए, के बाद आप लिखिए www.incometaxindia.in, वहाँ पे आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद गाइस आपको जाना है 3rd नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये इनका जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा, उसमें आपको जाना है फॉर्म डाउनलोड पे, यहाँ पे क्लिक करना गाइस। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए, थोड़ा नीचे जाइए। तो गाइस यहाँ पे आएगा आपको फॉर्म 15G। गाइस अगर आपका एज बिलो 60 है तो आप फॉर्म 15G को डाउनलोड करिए, अगर आपका एज 60 से ऊपर है तो आपको डाउनलोड करना है फॉर्म 15H। गाइस फॉर्म 15H में आपको थोड़े ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, अगर आपका एज 60 से अबव है तो ये डाउनलोड करिए, बिलो है तो 15G डाउनलोड करिए। तो मैं अभी 15G डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि बिलो एज का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है आपको फिलेबल फॉर्म, एक तो आपको आएगा फिलेबल फॉर्म गाइस, एक तो आएगा PDF फॉर्म। तो हम PDF फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस अगर PDF फॉर्म आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के आपको फिजिकली यहाँ पे आपको फिल करने का रहता है। तो आपको मैं आपको ये फिजिकली कैसे फिल करना और क्या क्या फिल करना वो बात करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी फिल करके रखा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो गाइस फॉर्म 15 भरने से पहले आपको देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एसिस्टेंट डिक्लेरेशन, तो गाइस यहाँ पे आपका नाम लिखना है। उसके बाद है पान ऑफ द असिस्टेंट, तो यहाँ पे पान कार्ड नंबर लिखना है गाइस, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं TDS डिडक्शन नहीं होने के लिए। उसके बाद गाइस आपको लिखना है स्टेटस पे इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पे है गाइस प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बिंग मेट। तो गाइस अगर आप ये मार्च 2020 से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है 2019 टू 2021। अगर आप मार्च 31 के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है 2020 टू 2021। उसके बाद गाइस उसके बाद लिखना 5 नंबर पे रेसिडेंट स्टेटस पे आपको लिखना है रेसिडेंट। और उसके बाद 6 है गाइस फ्लैट नेम ऑफ परमिस, तो आपका जो भी एड्रेस है XYZ आप यहाँ पे लिखना है, पिन नंबर, ईमेल 13 पे ईमेल है, 14 पे टेलीफोन नंबर है। तो गाइस ये पूरा आपके इंडिविजुअल है, जैसे फ्लैट नंबर, एरिया, आपका एड्रेस है आप फिल कर लीजिए। तो उसके बाद आते हैं हम नंबर 15 पे आते हैं, वेदर एसेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एसेस्ड। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स रिटर्न फाइल कुछ भी अप्लाई करे तो आपको यहाँ पे यस करना है गाइस, अगर नहीं करे तो नो करना है गाइस। तो ये मेरे केस में नो है तो मैं नो पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नंबर 16 पे गाइस एस्टिमेट इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। तो गाइस अगर आप पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका एस्टिमेट पीएफ कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो गाइस अगर पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेंशन का जोड़ना नहीं है, खाली पीएफ जो है वही ऐड करना है, जो आपका पीएफ है वही लिखना है, पेंशन इस पे ऐड नहीं करना है गाइस।
और अगर आप पीएफ के लिए नहीं कर रहे, इंटरेस्ट या कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन कुछ भी है, तो आपका कितना कमीशन है आपको यहाँ पे लिखना है। और 17 में है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16। तो गाइस यहाँ पे लिखना है प्रीवियस में आपका इनकम एनुअली कितना हो, तो आपका 2,50,000 है, तो आपको लिखना है 2,50,000, 3 लाख है तो 3 लाख लिखना है। तो गाइस मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपका टीडीएस नहीं कटना, क्योंकि आपका जो इनकम है लो है। तो उसके बाद है 18 गाइस, डिटेल ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में कुछ भी आप फॉर्म 15 भरे हैं तो यहाँ पे यस करना है गाइस, अगर नहीं भरे हैं तो नो लिखना है। मेरे केस में नो है तो मैं नो लिख रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर में फॉर्म कुछ भी भरे 15 फॉर्म, तो आपको यहाँ पे नंबर और अमाउंट भरना है गाइस। उसके बाद है 19, डिटेल ऑफ इनकम टैक्स विच द डिक्लेरेशन इज फिल। तो गाइस 19 में ये क्या है कि आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, पीएफ के लिए कर रहे हैं, टैक्स इनकम जो आपका डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी अगर पीएफ का है तो पीएफ नंबर जो मेंबर आईडी है वो लिखना। अगर आप डिपॉजिट या कुछ के लिए भर रहे हैं तो उसका एक आईडी रहता है गाइस, वो लिखना है। उसके बाद है नेचर ऑफ इनकम। तो गाइस अगर आप डिपॉजिट के लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन के लिए कर रहे हैं या पीएफ विड्रॉल के कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मेरे केस में ये पीएफ विड्रॉल है तो मैं पीएफ विड्रॉल लिख रहा हूँ। इसके बाद है सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल। तो गाइस यहाँ पे लिखना है, अगर आपको पीएफ है तो 192 लिखना है गाइस, अगर आपका पीएफ नहीं है तो गाइस यहाँ पे अलग अलग रहेंगे आपके जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग आएगा। अगर आप पीएफ के लिए कर रहे हैं तो 192A है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कर रहे हैं तो 193 है, अगर आप डिविडेंड के लिए कर रहे हैं तो 194 है, अगर आप इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं जैसे बैंक टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या डिपॉजिट इन कोऑपरेशन बैंक, तो गाइस इसमें आपको आएगा 194A। या इंश्योरेंस कमीशन के लिए तो आपको आएगा 194D। तो गाइस आपके हिसाब से आप क्या चीज़ के लिए भर रहे हो उसके लिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके बाद है गाइस अमाउंट ऑफ इनकम। तो जो आप 16 में भरे थे गाइस एस्टिमेट अमाउंट, तो वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिख लेना है 1,20,000। तो गाइस उसके नीचे आप आएंगे तो आपको है सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना गाइस। तो गाइस उसके बाद आता है आपको डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन। तो इसमें लिखना है आई, आपका नाम जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिल कर देना गाइस। उसके बाद गाइस इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है गाइस, अगर आप फॉर्म 15/31/3/2020 से पहले भर रहे हैं तो गाइस आपको लिखना है 31/3/2020। अगर आप 31/3/2020 के बाद भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है 31/3/2021। और रिविलिंग टू द एसिसमेंट ईयर पे आपको लिखना है, अगर आप 31 से पहले भर रहे हैं तो 31/2020 से पहले भर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे लिखना है आपको 2020 to 2021। अगर आप बाद पे लिख रहे हैं तो आपको लिखना है 2021 to 2022। और नीचे भी सेम यही आएगा गाइस, अगर आप 31/3/2020 से पहले भर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2020, अगर बाद में भर रहे तो आपको आएगा 2021। एसिसमेंट ईयर में आएगा, अगर पहले भर रहे तो आपको 2019 to 2020। तो गाइस उसके बाद आपको भरना है प्लेस डेट और सिग्नेचर यहाँ पे देना है गाइस। तो गाइस उसके बाद आपको आएगा पार्ट टू, जो ये पार्ट टू है आपको भरने की जरूरत नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ देना गाइस, खाली पार्ट वन आपको
भरना है। सो गाइज, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।